हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे इस दीप टेकपुर यूट्यूब चैनल पर। क्या दोस्तों, आप भी गैलरी के फोटो से पीडीएफ बनाना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि गैलरी के फोटो से पीडीएफ कैसे बनाएं? तो दोस्तों जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे आप गैलरी के फोटो से पीडीएफ बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों गैलरी के फोटो से पीडीएफ बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने फोन के अंदर प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में सर्च करना है डॉक्यूमेंट स्कैनर और उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको अपने फोन के अंदर इस वाले ऐप को डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इस ऐप को पहले से डाउनलोड करके रखा है। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको इसे ओपन करना है। जैसे ही आप इसे ओपन करोगे तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा। आपको यहाँ पर दो आइकन देखने को मिलेंगे, कैमरे का, गैलरी का। आपके फोटो पहले से सेव है गैलरी के अंदर तो आपको गैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं अभी प्रेजेंट में करंट में फोटो खींचूं और उन फोटो की पीडीएफ बनाऊं तो आपको कैमरे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर गैलरी के फोटो के जो सेव हैं उनकी पीडीएफ बना के आपको बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर आपको गैलरी वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से फोटो सिलेक्ट कर लेना है जिन जिन फोटो की आप पीडीएफ बनाना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर फोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ। फोटो सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। आप यहाँ से इस फोटो को एडजस्ट कर सकते हैं। आप यहाँ से लेफ्ट राइट कर सकते हैं, रोटेट वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर राइट साइड में एक ब्लू का निशान मिलेगा, राइट का, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करोगे तो आपकी जो पीडीएफ है वो बन गई। आपको यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर ओपन करके बता देता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं पीडीएफ बन गई। तो दोस्तों कुछ इस तरीका से आप भी अपने फोन के अंदर पीडीएफ फाइल बना सकते हैं फोटो से। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।